जैसे GS1 में मेंशन्ड है अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन की एक शॉर्ट डेफिनेशन, एक डेटा कि इंडिया में इतना परसेंट अर्बनाइजेशन हो चुका है। फिर उसी तरह मैं बोलूंगी वैल्यू एडेड मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट तो सब लिखते हैं। अगर हमसे पूछ भी लिया कि कौन सा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, तो अभी मैं जो जितने मैं सोच सकती हूँ 3 एक्शंस वो लिखूंगी। एक आउटराइटली गलत होगा, एक थोड़ा ज्यादा ही आइडियल होगा, एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। सो इफ देयर इज ओनली वन पार्ट गिवन इन द क्वेश्चन, लाइक आई विल राइट 7-8 पॉइंट्स टू द सेम पार्ट। इफ आई थिंक देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, टू कोर पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, आई विल राइट 4-5 पॉइंट्स इन एवरी पार्ट। एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक सजल सर, उनकी गाइडेंस ने मुझे काफी हेल्प किया है। जो स्मैश प्रोग्राम था उसमें GS 1, 2, 3 में सजल सर के जो इनपुट्स थे वो काफी मतलब बहुत स्पेसिफिक थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन संस्कृति फॉर दिस रैंक, एंड आई थिंक बिफोर इंटरव्यू ऑल्सो आफ्टर इंटरव्यू ऑल्सो वी वर डिस्कसिंग मेनी टाइम्स एंड आई थॉट दैट टॉप 50 मटीरियल हो तुम, सो यू प्रूव दैट राइट एंड यू स्कोर्ड रियली वेल। So I saw your improvement in your answers, because initially when you started, when you sent me your copies after your first attempt, second attempt, you know, there were a lot of gaps in your answers. For example, it was mostly, you know, content ka wahan pe dump tha, structure nahi tha, it was like all those big paragraphs and, you know, the answers were very, the content was there, but that extra was missing. So we will be talking about 10 different aspects of answer writing, because majority of the audience here is like, many of them have just started answer writing and some of them are also giving mains. So we'll be talking both the stuff. So at the basic level, what do you think? When should we start answer writing? Thank you, sir. And thank you, Civil Daily, for giving this platform. Sir, I think थोड़ा 5-6 महीने हो जाए into the preparation. If you are starting preparation 1 year before the prelims, तो 5-6 महीने हो जाए. जैसे मैं अगर अपना बताऊँ, मैंने जुलाई 2019 से शुरू किया था, जनवरी 2020 के अराउंड मैंने आंसर राइटिंग शुरू किया था. सो आई थिंक थोड़ा, क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा बिल्डअप हो जाता है, थोड़े से न्यूज पेपर हम पढ़ लेते हैं तो बेटर होता है तब तक शुरू करना. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत वेट करते हैं एंड तक, वो कहते हैं भाई आफ्टर द प्रीलिम्स, यू नो वी शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग आफ्टर द प्रीलिम्स, एंड दे कीप ऑन वेटिंग कि जब तक उनका 4-5 बार रिवीजन नहीं हो जाएगा दे विल नॉट स्टार्ट आंसर राइटिंग. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर सजेशन टू दोज पीपल हु डोंट हैव मच कंटेंट बट दे स्टिल वांट टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, व्हाट शुड दे डू? सर यहाँ पे एक तो प्रीलिम्स के पहले, आई डोंट थिंक प्रीलिम्स के पहले नहीं करनी चाहिए, करना चाहिए. मैंने स्पेशली अपना ऑप्शनल की तो काफी ज्यादा आंसर राइटिंग करी थी अपने पहले प्रीलिम्स के पहले भी. तो अगर आप GS कर रहे हैं, एटलीस्ट ऑप्शनल ऐसे इतना तो करना ही चाहिए अगर आपके पास टाइम की कमी है. दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू हैव टू डू, लाइक 3 or 4 essays यू राइट बिफोर प्रीलिम्स. एंड सर कंटेंट, अब मेरा पहला प्रीलिम्स था 2020 में, 6 महीने हुए थे एंड आई जस्ट स्टार्टेड. क्योंकि यूपीएससी में भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ वी डोंट हैव एनी कंटेंट. इस साल GS 3 पेपर में आया सेल्यूलोस पे क्वेश्चन, वी आई डिडंट हैव एनी कंटेंट ऑन दैट. या GS 1 में आया रबर पे क्वेश्चन, कोई कंटेंट नहीं होता. ये पेपर में भी होता है. ये प्रैक्टिस अगर हम, मैं नहीं बोल रही हूँ डे वन से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बट थोड़ा 5 महीने हो जाए, आप एक बार बेसिक बुक्स पढ़ चुके हैं, आप न्यूज पेपर पढ़ चुके हैं 5 महीने, न्यूज पेपर में सब कुछ आता है, सिलेबस का हर चीज कवर हो ही जाता है न्यूज पेपर. थोड़ा 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 हमें कॉमन प्रॉब्लम तो पता ही होती है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नर पे क्वेश्चन आया तो एक कॉमन प्रॉब्लम पता ही है कि फेडरलिज्म का एक इशू है ही, वो प्रीलिम्स के लिए पढ़ते उतने समझ में आ जाता है. तो हम जब तक, देयर इज वन लाइन की कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई बेस्ट कंटेंट नहीं है. जितना कंटेंट है, मेरे को इस अटेम्प्ट तक भी अपने कंटेंट से सेटिस्फेक्शन नहीं था कि ओ मैंने परफेक्टली सब कर लिया है. सोचा था अभी अगले वाले में अगर करना पड़ा तो और करेंगे, तो वो कभी परफेक्शन नहीं आता. Now, this is a very basic एक myth है लोगों को, जैसे बहुत लोगों को ये लगता है कि जो है पैराग्राफ इतने चाहिए. जो आपके पुराने रैंकर्स हैं वो आपको हमेशा सजेस्ट करेंगे कि यू नो पैराग्राफ लिखो, एंड बहुत लोग कहते हैं नहीं नहीं पॉइंट लिखो. What do you think? पैराग्राफ वर्सेस पॉइंट में क्या, लाइक what are the benefits and like which format did you use?
सर इन द जीएस 1, 2, 3 स्पेशली और 4B जीएस पेपर्स में पॉइंट्स डाउट पॉइंट्स इंट्रो लिखना है वो पैराग्राफ लिखना पड़ता है 3-4 लाइन का देन पूरा पॉइंट्स देन कंक्लूजन पैराग्राफ ऑप्शनल और ऐसे आई विल हाईली सजेस्ट कि ऑप्शनल और ऐसे अगर आपका ह्यूमैनिटीज वाला ऑप्शनल है मेरा पॉलिटिकल साइंस था इन दोनों में तो पैराग्राफ इसमें एक चीज और एंड फायदा ये सब पॉइंट्स में फायदा ये पॉइंट्स हमारे को पता होते हैं जैसे अब पॉलिटिकल क्वेश्चन है तो पॉइंट्स फंक्शंस फंक्शनलिटीज 3 पॉइंट तो आए गए तो हम 6 पॉइंट लिख देते एग्जामिनर को लगता है अरे 6 पॉइंट लिख दिए मार्क्स तो दे ही देगा चाहे हमने पॉइंट्स ऐसे लिखे हो जो डायरेक्टली क्वेश्चन से नहीं हो पर इनडायरेक्टली लिख लो क्योंकि बहुत सारे जैसे मैंने बताया सेल्यूलोस पे कुछ नहीं आता था तो आई रॉक सम रैंडम पॉइंट एक चीज जो मैं करता था अपने टाइम पे कि जब मेरे को कुछ आता नहीं था तो उस टाइम जब मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं आता तो मैं पैराग्राफ लिख देता था पैराग्राफ पे ये रहेगा एटलीस्ट कम से कम पॉइंट्स पे क्या है कि 2-3 पॉइंट के बाद व्हाट नेक्स्ट पैराग्राफ एटलीस्ट आप कहानी लिख दोगे थोड़ी सी तो एटलीस्ट कुछ को लगेगा हाँ चलो 1.5 पेज भर दिए या फिर 1 पेज भर दिए सो आई थिंक ये है और आई थिंक एक और चीज जो मेरे को लगती है कि पॉइंट फॉर्मेट में इफ यू राइट द चांसेस ऑफ यू गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड from the core demand of the answer, that is less because you already have a heading. So that you have a heading, you know that under this heading, you'll write these points. Paragraph mein, there's a time, there can be a chance ki aap jo hai, hat sakte ho main cheez se. Theek hai na? Achha, ek aur cheez hai ki question breakup mein bahut logo ko dikkat aati hai. Like, you know, what exactly is a core? What exactly is a non-core? Toh ye ek basic dikkate aati hai maximum aspirants ko. So what is your view? How did you break the question and, you know, everything? Sir, so basically, the question break karne mein pehle bhi karti thi break pehle attempt mein bhi. But phir jab mere ko smash program maine join kiya, uska test likha, to aapne core aur non-core bataya tha. To basically, usually first line hoti hai, agar hamara question 3 line ka hai, to jo pehla sentence hai, वो थोड़ा नॉन कोर पाए उसको दिख रहा है थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है बट 25% ऑफ द स्पेस हमारे आंसर की उस नॉन कोर पार्ट को देना है और उसको अपन वहां पे हम चाहें तो कुछ सर्कल या कोई फ्लो चार्ट अगर जैसे मैं नहीं बना पाती थी उतना क्रिएटिव नहीं हूँ पर जो लोग बना पाते हैं इट विल बी गुड अगर आप बना पाए तो और फिर बाकी जो मेन क्वेश्चन है 75% ऑफ द स्पेस द मेन क्वेश्चन और ब्रेकडाउन करने के लिए जो प्रीवियस है क्वेश्चन जब मैं एनालाइज किए तो मुझे समझ में आ गया कि यूपीएससी यूजुअली लाइंस शुरुआत में डालती है और फिर लास्ट में मेन क्वेश्चन पूछती है तो वो प्रीवियस क्वेश्चन से समझ में आता है तो वैसे फिर कोशिश की करने की तो इसमें पीवाईक्यू भी सिंस इतना बड़ा सिलेबस है एंडलेस सिलेबस है और आप किन एरियाज पर फोकस करो किन में नहीं करो दैट आल्सो चैलेंज राइट फॉर एन एस्पिरेंट what do you think is the importance of PYQ? देखो प्री में तो है हमको पता है but mains में भी PYQ का like how did you use PYQ and what do you think is the importance of PYQ for any aspirant who is you know preparing for this year and next year? सर तो basically एक जो दिक्कत आती है कोई भी आंसर हम शुरू करें कि इंट्रो क्या लिखे इसका अब वो इंट्रो के लिए हम PYQ देख लेंगे हमें पता हो जाएगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट है तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पूछते हैं वो अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो एप्लीकेशन पूछते हैं तो हम एक सेट इंट्रो मान लेंगे हिस्ट्री है तो कोई या तो पर्सनालिटी पे क्वेश्चन आएगा या कोई इवेंट पे क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से मैंने फिर ना सेट इंट्रो बना लिए थे कि हिस्ट्री है तो मैं या तो जो इवेंट बोली है उसका सिग्निफिकेंस बता दूंगी तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इन सब में हेल्प करते हैं थोड़ा सा हम पहले से जान जाए फिर दूसरा मैंने नोट मेकिंग बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे नहीं की क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से पता चलता है कॉजेस पूछ रहे हैं अच्छा लैंग्वेज चेंज करके भी कॉजेज ही पूछ रहे हैं एट द एंड या इम्पैक्ट पूछ रहे हैं या सजेशन पूछ रहे हैं तो मेरे नोट्स हैं वो भी इन तीनों चीजों में ही होंगे कि रीजन क्या है क्या उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं एंड देन फाइनली क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए तो नोट मेकिंग के लिए बहुत जरूरी है PYQs और मैं बोलूंगी कि इंसान को वेबसाइट्स पर टॉपिक वाइज मिल जाएंगे मेरे खुद के भी बनाए हुए उसका खुद से एनालाइज करना चाहिए कि अच्छा यूपीएससी अगर एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है तो कॉन्सिक्वेंसेस पूछती है डिजास्टर का क्वेश्चन है तो एनडीए में गाइडलाइंस पूछती है पता चल जाएगा कुछ सेट चीजें हैं वो एंडलेस सिलेबस ना थोड़ा फाइनाइट लगने लग जाएगा इसमें और भी चीजें हैं जैसे कुछ क्वेश्चन तो इनके फेवरेट है जैसे साइबर सिक्योरिटी पे हर बार क्वेश्चन आता है अलग अलग फॉर्म में
So now when you're reading something, cyber security, वो भी चीजें हैं. If you have a set introduction, या for example, local self-government, पंचायती राज, इस पे almost हर बार question आता है. So there are certain areas, जो, you know, PDS पे, या फिर MSP पे, mostly हर बार question आता ही है. So वो set areas जो हैं, I think it helps you in note taking also. Plus, I would say कि अगर, जैसे अगर 20 में से अगर आपने 8-9 questions predict कर लिए, based on PYQ, and if you write very good answers there, you know, good introduction, good conclusion, good points, so definitely, you know, you have a edge. Time bhi aapka save ho raha hai, saath hi saath aapko baaki 11-12 questions mein bhi, you know, you'll have more time. So wo cheez I think kafi help karti hai. Achha, coming to note making, because mere ko lagta hai ki note making, aur main ye cheez bolta bhi hun students ko ki note making agar aapne achhi kar li तो आपका 90% काम हो गया. तो how did you approach note taking, like what did you do for, you know. सर तो मैंने क्या किया था, जैसे जो स्टार्टिंग पार्ट है, अब जैसे सपोज हम आर्ट कल्चर की बात करते हैं, तो जब नोट मेकिंग की मैंने कुछ डायमेंशंस आइडेंटिफाई कर लिए कि आर्ट एंड कल्चर है तो या तो डांस, म्यूजिक, लैंग्वेज, ड्रेस, कोई पीरियड पूछा, उसके सिलेंट टीचर पूछे, तो ये 6 points है. अब 6 point के अंदर कंटेंट लिखना है और एग्जाम्पल लिखना है, ये पता है. अब हो सकता है कि वो कोई एक ही चीज पूछे, डांस पूछ ले कभी, या मोस्टली आर्किटेक्चर पूछते हैं, तो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं वो पॉइंट्स. तो वो हमें क्यों, हमें एक दिक्कत होती है लोगों को, मतलब मुझे भी होती थी, 15 mark का क्वेश्चन, इतने पॉइंट्स कहाँ लाए. तो ये पॉइंट्स हम नोट्स में पहले से डायमेंशन सेट कर लेंगे, जैसे मैंने बताया आर्ट एंड कल्चर का. वैसे अगर हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के फंक्शंस क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है. तो ये हमारे एक आंसर जैसे ही हम अपने नोट्स बनाए सिलेबस के हर की पॉइंट पे, जैसे GS1 में मेंशनड है अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन की एक शॉर्ट डेफिनेशन, एक डेटा कि इंडिया में इतना परसेंट अर्बनाइजेशन हो चुका है, फिर अर्बनाइजेशन के पीछे रीजंस क्या है, फिर रीजंस को हम डिवाइड कर सकते हैं पॉलिटिकल, जो पेस्टल अप्रोच है, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और एथिकल, जो भी इंटरनेशनल, ऐसे डिवाइड कर ले. उसके बाद ये रीजन हो गया, इंपैक्ट में फिर से इन्हीं में डिवाइड कर ले. तो हमेशा हमें एग्जाम में ना सोचना नहीं पड़ेगा, पॉइंट्स जनरेट नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप बस ये सोचना है पेस्टल लगाना है, सीधे 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 पॉइंट्स निकल जाएंगे. फिर उसी तरह मैं बोलूंगी वैल्यू एडेड मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है. कंटेंट तो सब लिखते हैं, वो 1-2 point जो हमने लिख दिया ना अलग से कि अरे कोई अच्छी चीज है, तो ये केरला का डोम प्रोजेक्ट था जिसने साइबर सिक्योरिटी में हेल्प कर दी, हमने एक लाइन लिख दी, बहुत कम एफर्ट में पर बहुत मार्क्स देगा. इसमें एक और चीज, जैसे हर एक सब्जेक्ट का, जैसे इसने बहुत अच्छी बात करी संस्कृति ने, कि अगर आपका फ्रेमवर्क पहले से रहेगा तैयार, तो डेफिनेटली आपका टाइम बचेगा, आपका कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्म आंसर रहेगा, आपको हर एक चीज में सोचना नहीं पड़ेगा. जैसे अगर लेट से आईआर है, आईआर में देर आर 7-8 डायमेंशंस विच आर देर, यू नो, यू हैव पॉलिटिकल, यू हैव इकोनॉमिक, यू हैव इन्वेस्टमेंट, यू हैव स्ट्रेटेजिक, डिफेंस, कल्चरल, साइंस एंड टेक, एनर्जी. अब अगर किसी पे भी इफ यू आर रीडिंग अबाउट एनी एक्सवाइजेड कंट्री, इंडिया वर्सेस फ्रांस, सो ये 8 angle में आपको वहां सोचना है. इफ यू आर रीडिंग अबाउट इंडिया वर्सेस जर्मनी, और इफ यू आर मेकिंग नोट्स अबाउट इंडिया वर्सेस जर्मनी, सेम चीज. तो आपका अगर फ्रेमवर्क तैयार है तो ऑलमोस्ट ये सारे पॉइंट्स फिक्स हो जाते हैं आपके हर जगह. तो इससे आपका काफी ज्यादा जो है टाइम बचेगा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि हर चीज आप उन 3 घंटे में नहीं कर सकते हो. अगर आपके पास पहले से ही कुछ, अगर टूल किट तैयार है, आर्मरी आपके पास है तैयार, तो डेफिनेटली यू नो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द एक्चुअल एग्जाम. ठीक है. अच्छा, एक और चीज है केस स्टडी का. लाइक बहुत सारे लोग हैं जो एथिक्स में, और यू नो केस स्टडी इज देयर ऑलवेज देयर प्रॉब्लम, की केस स्टडी कैसे करनी है. व्हाट्स योर अप्रोच, आई मीन हाउ डू यू सॉल्व केस स्टडीज इन एथिक्स, व्हाट वाज योर बेसिस ऑफ जजमेंट इन एवरीथिंग. एथिक्स की केस स्टडी में भी ये था, मैंने अपने मेंस की पहले थोड़ी बहुत की, प्री के पहले थोड़ी बहुत की थी, पर प्री से मेन के बीच में 90 डे में अल्टरनेट डे या फिर रोज एक केस स्टडी सॉल्व करती थी टाइम लिमिट में. अब वो केस स्टडी का सोर्स हो सकता है प्रीएसएल क्वेश्चन, वो तो सबसे बेस्ट सोर्स है, या फिर बहुत सारी कोचिंग है फ्री में 80 या 90 केस स्टडी के डॉक्यूमेंट होते हैं जो सॉल्व केस स्टडीज होती है.
सर तो एथिक्स की केस स्टडी में पहले तो पूरी केस स्टडी जब हम पढ़ रहे होते हैं तो जो इसमें दिख रहा है कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, एक तो कुछ मेन इन्फॉर्मेशन होगी कि मेन प्रॉब्लम दिखा रहा है कि ऑनेस्टी का इशू है या मॉरल डिलेमा है, उसको अंडरलाइन कर लिया। एक कुछ साइड इश्यूज भी बताएगा वो, कुछ कुछ पेरिफेरल इश्यूज भी होंगे जो हम एड्रेस करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे हमें, तो वो भी मार्क करती थी और अंडरलाइन करती थी रीडिंग के टाइम पे कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई है। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चल गया कि पूछते क्या क्या है यूजुअली केस स्टडीज में, तो फिर मैंने कुछ तीन चार फ्रेमवर्क तैयार कर लिए थे केस स्टडी में। मैं कभी प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी, कभी वैल्यूज और मॉरल डायलेमास बताऊंगी, ऐसे कुछ कुछ प्रिपेयर कर लिए थे। और केस स्टडी के इंट्रो का मेन एम होता है कि हम ये बता दें एग्जामिनर को हम क्वेश्चन समझ गए कि दिस इज द प्रॉब्लम दैट यू आर आस्किंग अस टू सॉल्व, एंड इसके लिए हम मे बी कोई एक लॉ मेंशन कर दें, कुछ भी मेंशन कर दें, छोटा सा तीन चार लाइन का इंट्रो लिखना होता है। देन जो भी पूछा है एथिकल डायलेमास पूछिए तो वो, और कुछ अगर प्रोज एंड कॉन्स पूछे कौन सा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, अगर हमसे पूछ भी लिया कि कौन सा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है तो भी मैं जो जितने मैं सोच सकती हूँ तीन एक्शंस वो लिखूंगी। एक आउटराइटली गलत होगा, एक थोड़ा ज्यादा ही आइडियल होगा, एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। फिर जो प्रैक्टिकल अप्रोच मैं ले रही हूँ तो केस स्टडी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैंने अप्रोच मैं बेस्ट मान रही हूँ वो क्यों बेस्ट है, वहां मेरा थॉट प्रोसेस आई हैव टू पुट इन माय थॉट प्रोसेस कि मैं इसलिए सोच रही हूँ इसलिए ये बेस्ट है क्योंकि ये बेनिफिट से इससे सारे स्टेक होल्डर्स को फायदा होगा जो भी हमारे केस स्टडी में। एंड देन फिर कंक्लूजन में हम कोई थिंकर ऐड कर सकते हैं या कोई लॉ ऐड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ऐड कर सकते हैं, इस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड इनपुट्स बाय संस्कृति। सो एंड एथिक्स बाय द वे इज वेरी हाई स्कोरिंग पेपर, सो वी कैन डेफिनेटली स्कोर वेरी हाई इन एथिक्स। नाउ अनदर प्रॉब्लम व्हिच मेनी पीपल फेस इज कंप्लीशन ऑफ पेपर, 3 घंटे में उनका हो नहीं पाता पेपर कंप्लीट, 4 क्वेश्चन छूट रहे, 6 क्वेश्चन छूट रहे, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो टाइम पे कैसे करें, हाउ डू यू राइट answers in 8.5 minutes, 9 minutes, how do you write the answer? Sir, to be very frank, मेरा पहला attempt में सारे paper complete हो गए थे, because मेरे थोड़ी naturally आदत है जल्दी जल्दी करने की चीजें, तो वो मेरे केस में वो बिना प्रैक्टिस के भी हो गए थे, बट आई वॉन्ट एडवाइस others to do that, आपको अपने स्पीड के हिसाब से करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के पेपर छूटते हैं। पहला, हम बहुत ज्यादा कंटेंट लिखने की कोशिश कर देते हैं, हम बहुत क्रिस्प में नहीं लिखते, एक लाइन लिखो, एक एग्जाम्पल डालो और आगे बढ़ो बस जीएस के पेपर्स में, उससे और पूरे 2 पेज भी खत्म हो जाएंगे, बहुत ज्यादा चीजें भी नहीं करनी पड़ेगी, टाइम भी होगा। एंड लोग क्या करते हैं, शुरू के आंसर्स में बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगा देते हैं और बाद के आंसर्स के लिए भी टाइम नहीं बचता। एक चीज जो और करती थी मैं, जो 5 मिनट पहले मिल जाता है पेपर, तो जब वो 5 मिनट पहले पेपर मिला होता है जल्दी से रीड कर लेती थी क्वेश्चन, समझ में आता था कि ये मुझे आते हैं और ये कुछ क्वेश्चन है जहाँ मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो जब मैं अटेम्प्ट कर रही होती थी, मैं करती 1 से 20 थी, तो बीच में देख लेती थी यहाँ फंस रही हूँ तो वहीं बैठे नहीं रहती थी, आगे बढ़ती थी कि अब 10 तक 20 तक जाना है, पहले जल्दी से क्वेश्चन कर लेने फिर जा अटक रहे कहीं कहीं, तो आधा लिखती थी आंसर दिख रहा है कि अब मेरे को पॉइंट्स नहीं आ रहे, क्योंकि वो कहीं पे 30 सेकंड्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर में, तो फिर आगे बढ़ जाती थी कि बाद में सोच लेंगे। और एक चीज, जब 5 मिनट पहले पेपर मिल जाता था तो साइड में हर क्वेश्चन पर लिख लेती थी, अच्छा इसमें यह आर्टिकल कोट करना है, मतलब लाइक 15 लिख दिया, मतलब आर्टिकल 15 नोट करना है, या फिर कुछ सिंबल्स अपने बना रखे थे ये कर दिया, शिकायत का कमिटी लिखनी है तो एस के लिख दिया बस कि हाँ ये लिखना है, मतलब ये कमिटी मेंशन करनी है, तो उससे थिंकिंग टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता था। अच्छा, तुम सीक्वेंस वाइज करती थी या फिर बहुत लोग करते हैं कि पहले 1 से 5 करते हैं फिर उसके बाद 11 से 20 करते हैं, या कुछ लोग 11 से 20 से स्टार्ट करते हैं एंड देन दे मूव टू 1 to 10, सो व्हाट वाज योर अप्रोच? सर, मैं पहले 15 मार्कर करती थी, जो हाईएस्ट स्कोरिंग होते थे वो पहले 11 से 20 पहले, फिर 1 to 10। अच्छा, वही मैं बोल रहा हूँ कि जो उसने भी कहा कि जो 8-9 मिनट में पेपर करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक्सेस कंटेंट ना हो, यू नो इन दिस प्रोग्राम, इन माय मेंस प्रोग्राम आल्सो वी हैव लॉट ऑफ वेटरन्स एंड टू बी रियली ऑनेस्ट समटाइम्स देयर नॉलेज इज मोर देन माइन, कुछ कुछ तो फैकल्टीज भी हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्यों? बिकॉज एक्सेस नॉलेज है, क्या चीज, बिकॉज दैट्स द होल आर्ट इज दिस, कि जो भी आपकी नॉलेज है उसको आप 8-9 मिनट में 150 वर्ड में कैसे आर्टिकुलेट कर रहे हो, दैट विल डिसाइड वेदर यू विल गेट मार्क्स और नॉट। एक्सेस नॉलेज आप 1 पेज का इंट्रो दे रहे हो और आप रेलिवेंट चीजें नहीं लिख पा रहे हो उस चक्कर में,
सो यू विल ऑलवेज लूज मार्क्स फॉर दैट. तो काफी इंपॉर्टेंट ये चीज है यहाँ पे नोट्स. अगर आपके नोट्स अच्छे बने हुए हैं, क्रिस्प नोट्स हैं, तो आपके पास ये एक्सेस कंटेंट वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी. दैट्स व्हाई आई थिंक शी आल्सो सेड एंड आई एम आल्सो सेइंग अगेन एंड अगेन कि नोट मेकिंग में टाइम लगेगा, बट आई थिंक अगर आपने अच्छे नोट्स बना लिए तो आपका काफी हद तक टाइम जो मतलब काफी हद तक आपका जो है हो गया, आपके जो है पाथ क्लियर. अच्छा एक और चीज है संस्कृति डायग्राम्स. आजकल बहुत ज्यादा कुछ सालों से पहले लोग डायग्राम्स यूज नहीं करते थे, बट अभी कुछ ऐसा हो गया है कि हर आदमी डायग्राम हर आंसर में डायग्राम बना रहा है. तो व्हाट रोल डू यू थिंक डायग्राम्स प्ले इन एन आंसर एंड वे डू यू थिंक इज द स्कोप फॉर डायग्राम्स इन एन आंसर. प्रीवियस चीज रह गई थी टाइम पे कंप्लीशन वाली. सो एक चीज मैं और करती थी, मैं टाइमर यूज करती थी जब मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ. स्टार्ट किया टाइमर 7 मिनट्स में, पॉज किया उतना किया. इनिशियली मैं पूरा अपना आंसर लिखती थी और देखती थी कितना टाइम हो गया है. हर आंसर के ऊपर टाइम लिखती थी 8 मिनट्स हो गया है. फिर जब प्री और में जब थोड़ी इनफ प्रैक्टिस हो गई, फिर बोला 7 मिनट में ही लिखना है. ये टाइमर मैंने एग्जाम में भी यूज किया क्योंकि वो टाइमर अलाउड होता है, बहुत छोटा सा टाइमर होता है, वो आप ले जा सकते हो सेंटर पे. तो उससे आपको ट्रैक आसान होता है कि हाँ मेरा 1 आवर हो गया है, मतलब मेरे इतने क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे अभी तक. एक हमेशा चेक रहता है, वॉच से बेटर मुझे लगता है टाइमर है. सर सेकेंड चीज आपने जो डायग्राम वाली बोली, मैंने डायग्राम के नाम पे सर मैप्स, मैंने जो मैप होता है एक इंडिया का मैप. और संस्कृति इफ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज लॉट ऑफ द ऑडियंस आर फ्रॉम साउथ इंडिया सो दे आर काइंड ऑफ रिक्वेस्टिंग. या सो फॉर डायग्राम व्हाट आई डिड वाज आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट ड्राइंग इंडियास मैप इन लाइक 30 सेकंड और इवन लेस और वर्ल्ड मैप. So these two diagrams I draw in all the disaster management question, in all the security question. Even in the GS1 part, I drew a lot of maps. So other diagrams, I'm not that creative. I did not use any flowchart or anything. Like I used a similar strategy as Kruti Sharma ma'am. If you see the AIR1 copy of 2021, she did not use a lot of diagram. She was very good in her point presentation and writing an example to substantiate her point. And that example was coming from a reading of current affairs. And map is one thing that I think you should do. You should draw at least 10 maps in GS1 and 3-4 maps in GS3. And whenever, if you know nothing in such questions, just draw a map. I did that in the rubber question of GS1. I did not know about anything about where is the plantation. I thought, okay, Brazil is a tropical country. There might be some plantation. I just drew a world map, Brazil that yes, there might be some plantation there. So in this, these are the filler things. That's what I'm saying. You know, there is no one unique strategy. There are 10 different ways of writing a, you know, good answer. For example, as Sanskriti has clearly pointed out that she did not use much of diagram, but still got a rank. So it's, you know, because she kind of, you know, substituted that with a lot of examples and data and everything. So map, so diagrams bhi jo hain, they are mostly, you know, non-core. You can only draw a non-core part. The core part, I mean, it's blunder to do diagram because drawing a diagram in a core part would mean that you are probably not serious about your answer. Your answer will not look mature, right? I think the only way you can draw a diagram is when you are completely short of time. You have like 15 minutes left and you are left with like 4 questions. So in that case, I mean, you have to complete the paper and you have no other options. But if you have time, I think diagram is only can should only be used, as she has said, in GS1, in security questions, IR questions, or it could be only used in non-core part, right? But you know, since many people are doing this mistake and I see the copies, every answer they are doing, you know, they are making diagram, which I believe is like overdue of anything, will, you know, destroy your case. For example, even with the PESTEL approach, if you start doing that in every answer, again, that will, you know, backfire. So these are important weapons which should be used, you know, which should be used with a lot of caution, right? Now, one more thing is about essay. I think you scored really well in essay also. What an essay has gone really, you know, it's gone unpredictable over the years. Earlier when, you know, the essays were more clear, but now we are moving towards philosophical essays. And I believe that you have been scoring constantly well in essay.
because even your first attempt also, I believe you scored well in essay. So what was your strategy for essay? I mean, and how do you handle these philosophical essays? So first thing is practice. As I said, before prelims, at least 4 essays, and before mains also 4 or 5 essays. So you have written 10 essays before you go into the exam. The second is on the daily basis. Whenever I used to read newspaper, I used to collect examples from newspapers that someone has done some good thing for people, like Sonu Sood did a lot of good thing during COVID for people. So that thing, I wrote it an example that I will use such example in individual ethical action if an essay comes. So, in both the times, the topics like there is a theme that environment topics are coming, something related to environment. And I'm very passionate about environment. So your passion also gets shown in the essay. But that happens when you have done a lot of thinking. Like whenever you, first important thing is choosing the right topic. I chose in this year's paper, I chose the topic of forest because I knew I will write something on forest. I'll fill up 12 pages. Second, also, I tried to see all the 4 topics and saw, okay, I have this many points in this one and this many points in this topic. So in 20, I took around 20 minutes to decide my 2 essay topics and then 20 minutes each on brainstorming those topics that I selected. That now I have chosen its topic, I will go to the rough page and I'll brainstorm using all the historical, temporal approach, individual approach, stakeholder approaches, testal approaches. I will try to generate as many examples or as many data or as many points as I could think. And one thing was, one essay I would have always started with anecdote. Like I would have started it with a story. And the important thing was ending with the same story, to bring it to a full circle in the essay so that the reader has a interest while reading your essay. So the topic was like the build a hay when the sun is shining, something was that. So I used a childhood story of grasshopper and ant, that one was lazy and one was not. So these things, you should think it on daily basis. On issues, if you're thinking on issues, you will generate some points in the essays and a practice will help you. I also built some templates. Like I knew that women, environment or ethical, such essays are coming. So I built some content on each of these. I also collected a lot of quotes from previous topper, like Anudeep Durishetty sir has written very beautifully about essay writing. So I used his quotes. I added mine to that. And using data or schemes of government and building a very good conclusion was also important, showing how it will affect the society. And one thing that people miss while writing an essay, how the topic and discussion is linking to civil services, how it is linking to administration. That is one important thing that people miss. And the second important thing is counter thesis to the topic given to us. So that is also important. So did this thing, sir. Now, it's a doubt among many people that how many points they should write in a 10 marker and in a 15 marker, and whether we should go for writing more points or we should try to explain each and point, you know, each and every point in detail. So what do you think? What was your strategy? So for 10 markers, I did not explain the points. I wrote the point and I wrote an example to substantiate that point. For the 15 marker, in the core part, the main demand of the question, I used to write 2-3 lines for not all the points, for some points. Like it depends on a personal sense, because we have practiced so much, then we take such decisions in real time that there is no set template for how many points should we write or how many lines should we write each point, but you should convey the thing to the examiner. That is one thumb rule. And I will always suggest using current affairs example because you have read so much of newspaper. So you have examples of every point ready with yourself. And if you think that I should give a number of points, like for 10 marker under one head, like you have to fill 2 pages. So if there is only one part given in the question, like I will write 7-8 points to the same part. If I think there are 2 parts of the question, 2 core parts of the question, I would write
4-5 points in every part. Similarly, in the 15 marker question, I would write the core part, but to generate more points, even if it's asked or not asked, I will always write a way forward. I knew that in 15 marker, I have to write a way forward. In 10 marker, it was depending on the question. Yes, so I think that's a very important point that, see, more number of points that you will write, let's say you are X example, you are X aspirant and there is Y aspirant. Now, X aspirant has written 6 points, Y has written 4 points. Definitely, somebody who has written 6 points will have a better impression over the examiner. But the point should not be that small. It should not look like notes. Thora bahut at least elaborate ho, at least ek line to ho. Right. So I think that because I've seen many people that they're writing just one word and that's it. So it is like a notes. I mean, and you can't expect marks in notes. And secondly, regarding the way forward, what Sanskriti has said is very important that in a 15 marker, whether it is asked or not asked, you will have to write a way forward. That's how you do it. But in a 10 marker, depending on the space left, depending on how many dimensions you have already covered, it depends on that. And many times, I think we can combine way forward and conclusion together. So that's how you will, you know, save a lot of your space. Now, one more thing, very important thing is that the questions are not that tough. Mostly people can write average answers. Now, what is the importance of data in these examples and the case studies? And how did you, I mean, did you make these notes and everything? And how did you use them in your answers? Sir, yes, it's very important. I think the difference that happened in my marks was because of this value addition materials that I prepared in. I started then preparing them in my first attempt. But this attempt, I could use them comprehensively. Like I prepared some different notes, one of data. But here it's important to segregate that. Like I wrote, I had an A4 sheet of data, but I wrote agriculture, this much data. Science and technology, this much data. Environment, this much data. Criminal system, because if you don't segregate, it won't click to you at that moment, okay, that data was written about criminal justice system. I have to go to that photographic memory of mine and get that data. Because of photographic memory, I used to rely a lot on the photographic memory. And similarly, I prepared a committee's recommendation that on governor, these are the committee recommendation, or Sarkaria committee recommended this. On agriculture, these are the committees, they recommended these things. On security, these are the committees. So even if sometimes I did not know that whether this committee recommended this thing or not, but I wrote second ARC recommended this. Because second ARC is a lot of general things are mentioned by the second ARC. And we know that these are the problems and these are the solutions. So some committee might have mentioned it. If I am not having any content, I would do this. Otherwise, I would know the committee. I would know their recommendation. I made very crisp notes of this. And in the gap of 2 hours between GS1 and 2, GS3 and 4, I used to revise these notes of mine. So I prepared like 4 or 5 of such notes. And I have put them on my Telegram channel. And people can access, because I also use toppers, such validated material, and enrich them with my own data. Okay, one student has asked that, should we need to complete all the 2 pages and all the 3 pages, you know, which is given by the UPSC? Should we fill all the sheet? Or if we write relevant points, you know, even the 2 page will suffice in a 15 marks answer or in a 15 marks question? So here I can tell what was my approach. I used to fill the pages. I used to rely on filling the pages. I have to fill the pages. I knew that I have to complete. My approach was, I'll complete all the question, I'll fill every page. Sanskriti, thank you for coming. And I think you have given a really good insight on answer writing. And it will be really helpful for the aspirants who will be giving this year and next year. So all the best, Sanskriti. I hope you make you make India proud. And you, after like 5-10 years, you know, we will see your reels. which will have million views. But on a lighter note, we have a lot of hopes from you.
that you will do a lot of positive contribution to this country. And all the best, Sanskriti. All the best. And thanks. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, Civils Daily. Thank you.